please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में बारिश के बाद भिंडी बाजार में 5 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में गिरे इमारत के मलबे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका। मुंबई में इमारत के मलबे से अब तक 13 घायलों को निकाला गया है जबकि 2 बचावकर्मी जख्मी हुए हैं। मुंबई में गिरी 100 साल पुरानी इमारत के मलबे में दबे लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। भिंडी बाजार में गिरी इमारत देखने पहुंचे बीएमसी के मेयर को गुस्साए लोगों ने भगा दिया। मुंबई में इमारत के मलबे से निकाले गए घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के पास कल्याण में एक गोदाम की दीवार गिरने से 4 लोग घायल हो गए। मुंबई में बारिश के दौरान मेन हॉल में गिरे डॉक्टर दीपक अमरापुरकर का शव वर्ली में मिला। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। मुंबई की झुग्गी बस्तियों में सफाई अभियान चलाकर बीएमसी ने 300 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया। पालघर के डहाणू में 7 पाटी और वर्सोवा के समुद्री सीमा के बीच से 2 नाव लापता हुई। अरब सागर की समुद्री सीमा से लापता दोनों नावों में 15 से 20 लोग सवार थे। मुंबई में उद्धव ठाकरे मॉनसून से जुड़ी तैयारी को लेकर न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर भड़क गए। जब सारे मुंबईकर परेशान थे, परेशान चलकर जा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, कहां थे? मैं सोया था ऐसे आपको कहना है? नहीं, मैं सोया था ऐसा आपको कहना है? सवालों से भड़के उद्धव ठाकरे के मुताबिक करोड़ों खर्च नहीं किए गए होते तो मुंबई डूब गई होती। लेकिन आपने वादा किया था कि मुंबई नहीं डूबेगी, जरूर रेनफॉल ज्यादा हुआ था, ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो कहाँ गया? एक करोड़ों रुपए जर का कामी लागले नसते तो मुंबईत आज सुद्धा पाणी तुंबलेलं तुम्हाला पाहायला मिळालं असतं आणि आज सुद्धा तुम्ही इथपर्यंत सुद्धा येऊ शकला नसतात। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे को घमंड छोड़ माफी मांगने की सलाह दी। रिजर्व बैंक के मुताबिक नोटबंदी के दौरान 99% पुराने नोट बैंकों में वापस आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक नोटबंदी से देश में टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ा है। वित्त मंत्री ने निजी सेक्टर की लोन ना चुकाने वाली कंपनियों को सख्त चेतावनी दी। कांग्रेस ने नोटबंदी को पीएम मोदी का निजी फैसला करार देते हुए इसे असफल बताया। प्राप्ति नहीं हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर नोटबंदी को सरकार की बड़ी असफलता करार दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर नोटबंदी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नोटबंदी पर सियासत के बीच नीति आयोग के सीईओ ने कैश इकोनॉमी को कम करने पर जोर दिया। वित्त मंत्रालय ने यह साफ किया है कि पुराने नोट वापस लेने का अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। गुजरात चुनाव को लेकर अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों ने अमित शाह से मुलाकात की। सीबीआई ने जमीन सौदा मामले से रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी पर 4 एफआईआर समेत 18 केस दर्ज किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में राजीव गौबा ने आज नए गृह सचिव का पदभार संभाल लिया। आतंकी संगठन जैश के आतंकियों की एलओसी के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ की तस्वीरें सामने आई। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के अंदर बनी राम रहीम की आलीशान ऐशगाह का पता चला। राम रहीम के आश्रम में जहाज की शक्ल वाला एक 7 सितारा होटल बना हुआ है। आश्रम में गुफा के अंदर से द एमएसडी रिजॉर्ट पहुंचने का रास्ता बनाया गया है। आश्रम के अंदर रिजॉर्ट में ताजमहल, डिज्नीलैंड समेत कई इमारतों के मॉडल बनाए गए हैं। गुरमीत सिंह के डेरे के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन पर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती की जाती है। बलात्कारी गुरमीत सिंह के डेरा सच्चा सौदा में एम्यूजमेंट पार्क और एक स्टेडियम भी बना हुआ है। लखनऊ के एक स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई के आरोपी शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया। मदुरई में ब्लू व्हेल गेम का शिकार बने 19 साल के एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर जान दी थी। हैदराबाद में अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस पर मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए वीडियो बनाया। तमिलनाडु के पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलेगा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी को इस्तीफा देने की सलाह दी।
go and tell Sashikala that I am resigning and you nominate someone else as chief minister. अभिनेता कमल हासन ने समर्थकों से विधानसभा और सचिवालय का घेराव करने के लिए तैयार रहने को कहा। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को हटाने की मांग को लेकर सोनिया गांधी से मिले। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने प्रदेश में किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया। भ्रम फैलाने वालों की कोई कमी रहती है, हर कोई भ्रम फैलाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के 7 जिलों में गौशाला बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने 8 और 11 सितंबर को किसानों की कर्ज माफी के लिए कैंप चलाने का ऐलान किया। गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी के सामने फीस के मुद्दे पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को 25 सप्ताह के अस्वस्थ गर्भ को गिराने की मंजूरी दी। गडकरी के न्यू इंडिया के ट्वीट के जवाब में मध्य प्रदेश की मंत्री ने सड़कें ठीक कराने की मांग की। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में दिल्ली में डीसीपी की पत्नी की कंपनी पर छापा मारा। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पार्टी की अनदेखी से नाराज टीआरएस कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह किया। पंजाब के नवा शहर में जांच के दौरान हुई बहस के बाद लोगों ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। शिमला के गुड़िया रेप केस में फॉरेंसिक सबूतों से 8 डीएनए सैंपल का मिलान नहीं हुआ। सरकारी अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण न मिलने वाले प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दी। भारी बारिश से औरंगाबाद में जायकवाड़ी के नाथ सागर डैम का जलस्तर 70% ऊपर पहुंचा। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश से प्राचीन तीर्थ मंदिर पानी में डूब गया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद हर्षद मंदिर और बाजार में पानी घुस आया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। भारत आई स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डॉरिस लियोथर्ड का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हुआ। इसरो आज शाम करीब 7 बजे श्रीहरिकोटा से अपना 8वां रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1 को देश के निजी क्षेत्र ने मिलकर तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन पर रोक के विरोध में दार्जिलिंग में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक बस के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका सरकार ने तमिलनाडु के 76 मछुआरों को जेल से रिहा कर दिया। त्रिवेंद्रम में बस स्टैंड पर एक सुरक्षा गार्ड के यात्री से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में चिप लगाकर गड़बड़ी करने वाले 7 पेट्रोल पंपों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में हुए मुजफ्फरनगर रेल हादसे को लेकर रेलवे ने 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। सतना में शराब दुकानों पर कार्रवाई के लिए एक आदमी ने गांधी की वेशभूषा में डीएम को फूल दिया। गुजरात के सूरत में पारसी समुदाय के लोगों ने गणेश उत्सव मनाया। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद ने अपनी नजरबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी। पाकिस्तान की कोर्ट एक दशक पुराने बेनजीर हत्याकांड पर आज फैसला सुना सकती है। पाकिस्तानी संसद ने एक प्रस्ताव पास कर ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उत्तर कोरिया की दागी मिसाइल का जवाब बातचीत नहीं है। पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में 11,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के कराची शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अमेरिका के टेक्सस में हार्वे तूफान में अब तक 35 की मौत हो गई जबकि 17 लापता हैं। अमेरिका के टेक्सस में तूफान के बाद आई बाढ़ में नर्सिंग होम में फंसे मरीजों को निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया में एक कारोबारी ने 4 संख्या वाली लाइसेंस प्लेट 12 करोड़ रुपए में खरीदी। इराक के तलफर में आईएस आतंकियों के ठिकाने पर इराकी सेना के हमले का वीडियो सामने आया है। स्पेन में हर साल की तरह चमैटना त्योहार के उत्साह के साथ इसे मनाया गया। रूस के सोची शहर के पास काला सागर के ऊपर एक विमान के तूफान से बचने का वीडियो सामने आया है। चीन के हुबाई में नदी में गिरी एक कार में सवार मां बेटी को लोगों ने बचाया। मोंटेनेग्रो के जंगलों में आग लगाने के शक में पोलैंड के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन के लिवरपूल के एक रेस्टोरेंट में पटाखों की आतिशबाजी की सीसीटीवी में कैद हो गई। दक्षिण कोरिया के मुताबिक वो उत्तर कोरिया आतंकवाद पर कार्रवाई की शर्त पर 16 अरब की मदद का ऐलान किया। श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
वनडे इतिहास में आज 300वां मैच खेल रहे धोनी दुनिया के 20वें खिलाड़ी बने। श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे में मनीष पांडे, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को मौका मिला। सीरीज हारने के बाद श्रीलंका को विश्व कप में सीधे प्रवेश के लिए आज का मैच जीतना होगा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा चौथे और विराट कोहली पांचवें पायदान पर बरकरार हैं। यूएस ओपन में मारिया शारापोवा हंगरी की टीमिया बाबोस को हराकर तीसरे दौर में पहुंची। प्रो कबड्डी लीग में बुधवार को युमुम्बा ने हरियाणा स्टीलर्स को 38-32 से मात दे दी। बास्केटबॉल टीम के कप्तान अमृतपाल ऑस्ट्रेलियाई एनबीए के लिए खेलने वाले पहले भारतीय होंगे। अभिनेता संजय दत्त की नई फिल्म द गुड महाराजा का पोस्टर जारी किया गया। सोशल मीडिया पर अनिल कपूर की सफेद बाल वाली तस्वीर वायरल हो रही है। अजय देवगन ने कपिल से नाराजगी पर कहा कि मालूम नहीं पर शो पर दोबारा जाऊंगा या नहीं। कपिल के शो में बुआ का रोल करने वाली उपासना सिंह कॉमेडियन कृष्णा के शो में नजर आएंगे। शिल्पा शिंदे कलर्स चैनल के टीवी शो रियलिटी बिग बॉस 11 में नजर आ सकती हैं। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे रणबीर कपूर ने परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई। फिल्म में साथ काम कर रहे सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने केदारनाथ के दर्शन किए। फराह खान से मिलने के लिए शाहरुख अचानक रियलिटी शो लिप सिंह बैटल के सेट पर पहुंचे।